फैसल टाउन फेज टू बैलेटिंग में ताखीर के बाद मैनेजमेंट की तरफ से एक नई डेट अनाउंस की गई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उर्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फैसल टाउन फेज टू में जो पेमेंट्स का क्राइटेरिया था, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि 27 अप्रैल तक आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर करेंगे और 12 मई की जो फर्स्ट बैलेट है उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे एक सिनेरियो भी डिज़ाइन किया गया था कि जिन क्लाइंट्स की पेमेंट्स को लम सम की सूरत में पे किया गया उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्राइम लोकेशन के ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपकी 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं या मिनिमम आपकी 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं तब भी आपको बैलेट का हिस्सा बनाया जाएगा। मैनेजमेंट की तरफ से बैलेटिंग की ताखीर और अब एक नई डेट का अनाउंस होना, 10 जुलाई तक अपनी पेमेंट्स को क्लियर करके आप इसकी कमिंग बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में कितने सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स को लमसम पे किया, अपना जो एक क्राइटेरिया था जिसको मीट करने के लिए फॉर बैलेट पर्पज उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को ड्यू इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर किया। ऐसी टफ सिचुएशन में जबकि रियल स्टेट की मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई हुई है, इस टाइम पे हर सिंगल पर्सन को ये है कि चले किसी भी तरह से वो अपनी जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं उनको प्रायोरिटी दे, अपने रोज़ के एक्सपेंस को प्रायोरिटी दे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे। इन सारे हालात में से अपनी पेमेंट्स को मैनेज करके किसी भी सोसाइटी के प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करना इस टाइम बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने फैसल टाउन फेज टू के अंदर अपनी पेमेंट्स को क्लियर किया। मैनेजमेंट की तरफ से जैसे ही अनाउंसमेंट्स हुई हमने भी वीडियोस बनाई कि आएँ आप 27 अप्रैल तक अपनी पेमेंट्स को क्लियर करके 12 मई को जो बैलेट होने जा रहा है उसका हिस्सा बने। तो इन्वेस्टर्स ने अपनी पेमेंट्स को लमसम अमाउंट की सूरत में भी क्लियर किया है और अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स को भी क्लियर किया है फॉर बैलेट पर्पस। अब सोसाइटी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन, एक नया ऐलान, एक नई डेट दे दी गई है कि 10 जुलाई तक आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर करें तो इसकी कमिंग बैलेट का हिस्सा बने। फैसल टाउन फेज टू के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो इसके NOC, इसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, फिर ऐसा क्या है कि सोसाइटी की तरफ से बैलेटिंग की डेट्स को अनाउंस तो किया जाता है बट उसमें ताखीर कर दी जाती है। यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने के बराबर है फैसल टाउन फेज टू। जितने बड़े ZM बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है, जितने बड़े ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, वहाँ पे डेवलपमेंट को फास्ट होना चाहिए था बट अभी तक इस प्रोजेक्ट की साइड पर कोई तसल्ली बख्श डेवलपमेंट नहीं है। फिर आए दिन डेट्स को अनाउंस करना और उसकी बैलेटिंग में ताखीर करना, तो क्या सोसाइटी ने मैज इन्वेस्टर्स से पेमेंट्स निकालनी थी? क्या तमाम तर क्लाइंट्स को आपने बस ये कहना था कि इसकी फर्स्ट आवर बैलेट होने जा रही है, इसके बाद किसी भी तरह की कोई बैलेट नहीं होगी, आप इसके क्राइटेरिया को मीट करें और अपने प्लॉट्स को बैलेट करें? और इसके बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी पेमेंट्स को क्लियर भी किया है जिनकी पेमेंट्स इस टाइम पे स्टक हुई पड़ी हैं। अगर हम ओवरऑल रियल स्टेट की बात करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो इस टाइम आपको प्रॉफिट दे रहा हो। जितने भी इंस्टॉलमेंट्स कैजुअल के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अभी आपकी फाइल्स माइनस में हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल रही है कि अगर क्लाइंट के एंड से पेमेंट्स क्लियर हो जाती हैं तो मैनेजमेंट स्लो हो जाती है, अगर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है तो क्लाइंट के एंड से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। फैसल टाउन फेज टू मैनेजमेंट की तरफ से अब एक नई डेट अनाउंस की गई है कि 10 जुलाई तक आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर करके इसकी कमिंग बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके जितने भी हैं वो क्लियर होने की सूरत में ही आप इसकी बैलेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऑलरेडी जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी पेमेंट्स को क्लियर किया है, थोड़ा सा टाइम है, आप मज़ीद वेट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जुलाई में ये बैलेट ज़रूर हो। मज़ीद फैसल टाउन से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं।